इस वीडियो में देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन 8 बिट का। तो फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट में इसका फॉर्म है 4 बिट मेंटिसा के लिए, 2 बिट एक्सपोनेंट के लिए और 1 बिट एक्सपोनेंट साइन बिट के लिए और 1 बिट मेंटिसा साइन बिट के लिए। यहाँ प्लस माइनस है 0 और 1 के लिए, ये भी दे सकते हैं यहाँ भी 0 या 1। 0 प्लस के लिए और 1 माइनस के लिए, साइन बिट के लिए यूज कर सकते हैं। तो कोई नंबर दिया हुआ है 26.82, इसको फ्लोटिंग पॉइंट 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज किसे करेंगे? नॉर्मलाइज करने के लिए जो मेरा मेंटिसा होना चाहिए वो 0.1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा होना चाहिए। इसको 26 पॉइंट है तो यानी बड़ा है, इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे पॉइंट को। तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 0.2682, लेफ्ट शिफ्ट किए 2 डिजिट तो 10 to power, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो प्लस में होगा और राइट शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा एक्सपोनेंट। नॉर्मलाइज हो गया। अब इसको फॉर्म में लिख देंगे। पहले साइन बिट देंगे मेंटिसा के लिए, मेंटिसा के लिए यहाँ साइन बिट है प्लस में तो प्लस, उसके बाद मेंटिसा मेरा ये हो गया 4 डिजिट का 2682। अब मेरा एक्सपोनेंट का साइन बिट, एक्सपोनेंट मेरा प्लस में है तो एक्सपोनेंट का साइन बिट प्लस 2 है 02 मेरा हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, -0.00241। यहाँ भी देखते हैं मेरा जो मेंटिसा है ये 0.1 से काफ़ी छोटा है जो कि मेरा ये फॉलो करना चाहिए। तो इसको पहले नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने के लिए -0.241, राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो राइट शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा तो 10 to power, 2 प्लस शिफ्ट किए हैं तो 10 to power -2 हो गया नॉर्मलाइज। अब नॉर्मलाइज हो गया तो ये मेरा मेंटिसा, ये मेरा एक्सपोनेंट हो गया। पहले साइन बिट लिख लेंगे, मेंटिसा के लिए साइन बिट माइनस है और मेरा मेंटिसा है 4 डिजिट में होना चाहिए तो 241, कुछ नहीं है 0। उसके बाद एक्सपोनेंट का साइन बिट माइनस में है 2 है 02 हो गया। बस यही ध्यान रखना है कि जब राइट शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट माइनस में होगा और जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट प्लस में होगा। और मेंटिसा को नॉर्मलाइज करने के लिए ये फॉलो करता है, 0.1 से बड़ा होना चाहिए या बराबर और 1 से छोटा होना चाहिए।